पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे जयप्रकाश अग्रवाल को इस बार कांग्रेस ने चांदनी चौक से प्रत्याशी बनाया है। इस क्षेत्र में व्यापारियों और वैश्य समुदाय के वोटर्स का बेहद असर है, जिसे देखते हुए जयप्रकाश अग्रवाल कोई बड़ा रोड शो करने के बजाय घर घर जाकर छोटी छोटी मीटिंग कर रहे हैं। इसी कड़ी में जयप्रकाश अग्रवाल अशोक विहार में एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष रमेश अग्रवाल के घर पहुंचे। यहां बड़ी संख्या में वैश्य समुदाय और व्यापारी पहुंचे। जयप्रकाश अग्रवाल ने दावा किया कि वे व्यापारियों की आवाज संसद में जोर शोर से उठाएंगे। जो रेवेन्यू जितना जिस डिपार्टमेंट के लिए चाहिए उसका डिविजन बहुत बढ़िया था, लेकिन हमने झूठे वायदे एक भी नहीं करे, ना 15 लाख रुपए वाले करे, ना 2 करोड़ जॉब वाले करे, ना एक सिर के बदले 100 सिर काट के लाएंगे, ना वो करे, झूठ नहीं बोलते हम। जयप्रकाश अग्रवाल अशोक विहार, शालीमार बाग, त्रिनगर, मॉडल टाउन जैसे इलाकों में अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं और प्रमुख लोगों के घर जा जाकर चाय पी रहे हैं। एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष के घर कांग्रेस के पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता सहित अग्रवाल समाज के प्रमुख लोगों ने जयप्रकाश अग्रवाल का स्वागत किया। रमेश गुप्ता ने कहा कि वो उनके लिए प्रचार करेंगे। बीजेपी ने व्यापारियों के साथ कसाई वाला काम किया है। जयप्रकाश जी के स्वागत के लिए उन्होंने बस कहा कि भाई शुरुआत करनी है अपने भाइयों पुराने परिचय, तो इसलिए आज सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करी है उन्होंने अशोक विहार से, और अशोक विहार वाले बड़े खुश हैं कि भाई अपना वैश्य समाज से रिप्रेजेंटेशन करने, और वो व्यापारी भी हैं और साथ साथ बड़े प्रेमी भाई हैं, सबसे व्यापार में उसमें दुख सुख के साथी हैं। हाँ बिल्कुल करेंगे, तो यूपीए का अपना अलायंस है, जहाँ पे भी हमें मौका मिलता है वहाँ पे हम कांग्रेस के साथ हैं हमेशा। जयप्रकाश अग्रवाल ने कहा कि चांदनी चौक उनका घर है, यहाँ के लोगों से उनका पुराना और दिल से संबंध है। पिछले 2 दिन में जयप्रकाश अग्रवाल करीब 50 से ज्यादा ऐसी छोटी छोटी मीटिंग कर चुके हैं। जाहिर है वे सभी से व्यक्तिगत रिलेशन बनाकर उनमें जोश और अपनापन का भाव भर देना चाहते हैं। अब उनकी ये रणनीति कितना असर दिखाती है ये देखना अभी बाकी है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए राजेंद्र स्वामी की रिपोर्ट।